बिहार में एक 18 वर्षीय लड़की को फेसबुक पर प्यार हुआ। 3 साल तक प्रेमी के साथ रिलेशन में रहती है। 1 साल पूर्व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लड़की पटना चली जाती है, पीछे से लड़का भी पटना जाता है। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, लेकिन इसी बीच लड़के को किसी और से प्यार हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका को छोड़ देता है, फिर कुछ महीने बाद वापस उसके पास आता है। इसके बाद उसके साथ मारपीट करता है। पटना में 3 दिन तक उसके साथ मारपीट की जाती है। इसके बाद उसे मुजफ्फरपुर लाकर छोड़ दिया जाता है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित बस स्टैंड के समीप की है। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़िता ने बताया कि वह सीतामढ़ी इलाके की रहने वाली है। आरोपी युवक भी उसी के इलाके का रहने वाला है। फेसबुक पर दोनों की जान पहचान हुई थी। 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीतामढ़ी में 2 साल प्रेम चला। इसके बाद वह पटना तैयारी करने चली गई। उसके पीछे युवक भी आ गया। वहाँ कुछ महीने साथ रहा, कभी रिचार्ज तो कभी खर्च के नाम पर पैसे ऐट लिए। इसी के बीच उसको किसी दूसरी लड़की से बातचीत होने लगी। वह उसे छोड़कर चला गया। कुछ महीने बाद वह वापस आया, माफी मांगने लगा। बोला कि तुमसे प्यार करते हैं, शादी भी तुम ही से करेंगे। काफी मिन्नत करने के बाद उसे माफ कर दी। 1 महीने तक ठीक रहा, लेकिन अब फिर उसे किसी अन्य लड़की से बातचीत शुरू हो गई। उसने विरोध किया तो गाली गलौज की। 3 दिनों तक पटना में मारपीट की। उसकी माँ भी साथ में रहती थी। इसके बाद आज माँ और बेटे पटना में मारपीट कर मुजफ्फरपुर में लाकर छोड़ दिए, जिसके बाद वह घायल अवस्था में माँ और बहन को कॉल की, घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मेरा कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद उसका कहना है धीरे धीरे, कुछ दिन वो ठीक था, उसके बाद फिर वो अपने घर पे आया और उसके बाद फिर वो अपना रंग रूप चेंज कर दिया, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह, और ऊपर से मेरे से पैसा वसूलना, मेरे से पैसा वसूलता था। हो गया, उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताया नहीं, और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। और उस लड़की के मुंह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है, और मानसी के बारे में बोल रहा था, मानसी नाम की एक लड़की है, कि मानसी मेरे लिए जो है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद हो गया, उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दी। तब फिर फरवरी में आया मेरे लाइफ में, पिछले साल फरवरी में, और उसके बाद फिर बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। फिर से माफ कर दिए। फिर से वो कुछ दिन बाद फिर उसका नीसा वाला मैटर आया। नीसा वाले वो मैटर किया, नीसा कोई लड़की है, उसके साथ वो फंसा। फिर जब उसके पास अब पहुंचे तो कोई ज्योति नाम की लड़की थी, उससे वो बात करना चालू किया, और वो दोनों मिलके हमको फंसा दिया, और हमको बोले कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक करो, कि तुम प्रेगनेंट हो। हम इस चीज का नाटक किए, हम बोले कि हम प्रेग्नेंट है। अब उसकी मम्मी मेरे मौसी के घर पे आ गई और बहुत बेइज्जती की, तो हम भी उसकी मम्मी को सारा प्रूफ दिखा दिए, तो बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया, और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सबको दूर कर दिया। उसके बाद फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे रिश्ता फिर से पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट ये है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, हम तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो और कुछ नहीं। और अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन, वो अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल, अच्छी बात है, हम उसको अगर अपना कोई बात बोले तो वो मेरे पे हाथ उठा दिया, हाथ ही नहीं पूरा अच्छी तरह से ढूंढ दिया। और उसके बाद आज उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी के सामने लिखा गया है कि 7 दिन बाद उसके पापा का तबीयत खराब है, 7 दिन बाद ये वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी एग्री भी की है कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ मुजफ्फरपुर बस स्टैंड छोड़ी है और उसके बाद वो भाग गई है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं है तो वो क्यों, अच्छा चोट का निशान है, हाँ, वो कल, वही तो बोल रहे हैं, हाँ वो कल मेरे को मारा बहुत अच्छी तरह से। आज कैसे लाया है यहाँ? आज वो उसकी मम्मी आई है, उसके बाद जब उसकी मम्मी को लगा है कि वो फंस गया तो उसके बाद वो मतलब हमको मनाई है, धनाई है, ऐसे वैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, मेरे हस्बैंड बीमार है, ये है वो है, और उसको घर ले गई है और हमको यहाँ छोड़ दिया। उसका उसको कॉल कर, उसका फोन स्विच ऑफ है, और उसको एक ही बात का घमंड है कि मेरा बाप है, हम बच जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे? सीतामढ़ी में बोला। यहाँ कहाँ पे छोड़ा?
यहाँ बस स्टैंड अकेला छोड़ गया। वो था, उसका ड्राइवर था और उसकी मम्मी थी। क्या चीज से? कार से, फोर व्हीलर से। हाँ, फोर व्हीलर से लेके आया। हाँ, मारपीट पहले भी किया था क्या? कल किया था। किस चीज से मारा है? हाथ से। यहाँ कौन रहता है? फेसबुक के अलावा पहले से कोई जान पहचान? नहीं, मेरा उससे फेसबुक से ही हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? सीतामढ़ी, प्रताप नगर।